भोपाल से खबर मिल रही है जहां 20 जुलाई को मानसून सत्र जो शुरू होने वाला था वो अब स्थगित हो गया है। सर्वदलीय बैठक में जो फैसला लिया गया है उसमें फैसला हुआ है, संख्या सचिवालय की कर्मचारियों की सत्र बुलाते हैं तो इधर हमने मंदिरों में 5 लोग, शादी विवाह में 10 लोग, इस मसान में 20 लोग, धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध कर दिया है। गणेश जी का पंडाल नहीं लगेगा, लोग इकट्ठे नहीं होंगे, ईद नहीं मनेगी और इधर हम सैकड़ों लोग इकट्ठे होंगे तो ये संदेश गलत जाएगा। सत्र जब बुलाया गया था तब स्थिति ऐसी नहीं थी, तब लग रहा था कि हम बहुत अच्छी स्थिति में आते जा रहे हैं, हमारी ग्रोथ रेट 78% के ऊपर भी पहुंच गई थी। तो ये फैलते हुए संक्रमण को ध्यान में रख के आज सर्वसम्मति से तय किया है कि सत्र को महामहिम को आगे बढ़ाने का बोल दें। बजट और कुछ विधेयक जो महत्वपूर्ण विधेयक है उसके लिए इसके माध्यम से बढ़ाए जाएंगे, लोकसभा में भी अध्यादेश आ चुका है, यहाँ भी आ जाएगा। तो नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि अध्यादेश के जरिए ये जो विधेयक हैं जरूरी और जरूरी काम जो है विधानसभा के कर लिए जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है उस तरीके से ये कहा जा सकता है कि विधानसभा सत्र जो है वो बुलाना बेहद खतरनाक हो सकता था, इसलिए अब विधानसभा सत्र को आगे बढ़ा दिया गया है। चलिए, जुगल किशोर शर्मा को आप सुन रहे थे, उनके साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा थे और नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि चूंकि हमने गाइडलाइंस जारी की है, इस बार त्यौहार भी जो है त्यौहारों को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं और हमने शादी समारोह को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की है, तो ऐसे में यहाँ अगर सत्र होता है और इतने सारे सैकड़ों लोग अगर इकट्ठे होंगे तो एक गलत संदेश जाएगा, इसलिए सर्वसम्मति से बैठक में फैसला लिया गया है और फिलहाल मानसून सत्र को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। तो इस बैठक में बता दें आपको, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, इसके अलावा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद थे और इस सर्वदलीय बैठक में रामेश्वर शर्मा जो कि प्रोग्राम स्पीकर हैं उन्होंने ये बैठक बुलाई थी आज, सर्वदलीय बैठक, इसमें सभी पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए और सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। तो 20 जुलाई से मानसून सत्र पहले शुरू होने जा रहा था लेकिन कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की वजह से फिलहाल सर्वसम्मति से इस बात को तय किया गया है और सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है, मानसून सत्र को फिलहाल स्थगित किया गया। प्रोटेम स्पीकर ने बैठक बुलाई थी आज, प्रोटेम स्पीकर ने बैठक बुलाई थी कि जो 20 तारीख से, चलिए हम आपको प्रतिक्रियाएं सुनाएंगे जब बैठक खत्म हुई, सर्वदलीय बैठक, उसके बाद नेताओं ने क्या कुछ कहा है। इस बैठक में सभी बड़े नेता पहुंचे थे, चाहे विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से हम बात करें या फिर जो सत्ताधारी दल है बीजेपी उसकी तरफ से बात करें, सभी बड़े नेता इसमें मौजूद थे और एक एक करके हम सभी की प्रतिक्रियाएं आपको सुनाएंगे कि सर्वदलीय बैठक खत्म होने के बाद किसने क्या कुछ कहा है। अभी अभी आपको नरोत्तम मिश्रा की हमने प्रतिक्रिया सुनाई, बातचीत करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने साफ कहा कि सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है और इधर दूसरे नेताओं की भी प्रतिक्रिया आपको सुनाएंगे। आज प्रोटेम स्पीकर ने बैठक बुलाई थी कि जो 20 तारीख से सत्र शुरू होने वाला है उस पर चर्चा के लिए। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग ने जो आज की परिस्थितियां हैं कोविड की, इसकी पूरी जानकारी दी और इस पर चर्चा हुई कि इन परिस्थितियों में क्या विधानसभा का सत्र हमें चलाना चाहिए। सदन को हम मानते हैं एक उदाहरण बनना चाहिए मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए, और इसमें जिस प्रकार की आवश्यकता है सावधानी की, ये संभव नहीं है। तो हमने तय किया, सर्वसहमति से तय किया कि आने वाला सदन हम राज्यपाल जी को शासन रेकमेंड करेगी कि इसे टाल दिया जाए। सर आगे कब होने पर कोई सहमति कुछ ऐसा बनाओ, अब ये तो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। सर, परिस्थिति के लिए फिर क्या है बजट, वो अब शासन देखेंगे। इसका प्रावधान तो है, मैं केंद्र का तो जानता हूँ, केंद्र में तो ये ऑर्डिनेंस के माध्यम से हो सकता है, अब यहाँ क्या कानून है शासन अपने आप तय करेगी। तो
तो आप पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को सुन रहे थे और उन्होंने कहा है कि हमने ये फैसला लिया है सर्वसम्मति से इस सर्वदलीय बैठक में, और फिलहाल ये बैठक जो आज हुई है उसमें फैसला लिया गया है कि मानसून सत्र को फिलहाल स्थगित किया जाए। इस बात की सूचना राज्यपाल को भी दी जाएगी, उनसे आग्रह किया जाएगा। इस बैठक में सज्जन सिंह वर्मा, गोविंद सिंह, इसके अलावा कमलनाथ कांग्रेस की तरफ से, तो वहीं बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा और सभी नेता जो है इसमें सर्वदलीय मौजूद थे, उसमें ये फैसला लिया गया है। वर्तमान परिस्थितियों में सत्र के संबंध में बैठक आहूत की थी और सत्ता पक्ष के साथ माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति जी, सज्जन सिंह वर्मा जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, हम सब लोग उपस्थित थे और जो विषय माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा रखा गया उस पर विचार विमर्श के बाद, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं दुनिया में, देश में और मध्य प्रदेश में भी, कोरोना से संक्रमित पेशेंट्स की संख्या लगातार पिछले दिनों तेजी से बढ़ी है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की भी गाइडलाइन है और मध्य प्रदेश सरकार ने भी जनता से अपील की है, हम लोगों ने तय किया है कि कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे, धार्मिक उत्सव नहीं होंगे, यहाँ तक के गणेश उत्सव का मामला हो, भगवान गणपति जी की सब पूजा करते हैं उत्साह से, सार्वजनिक पंडाल नहीं लगेंगे, ईद हो, रक्षाबंधन हो, बाकी त्यौहार हो, वो घर में ही मनाए जाएंगे, यहाँ तक के विवाह में भी संख्या घटा के एक पक्ष की तरफ से केवल 10 ही कर दी। वैसी परिस्थितियों में जब विधानसभा भवन में सेंट्रल एसी है और जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में इतनी देर तक बैठ के, तब जब विधानसभा के कर्मचारी भी संक्रमित हुए, हमारे विधायक साथी भी संक्रमित हुए, वैसी परिस्थितियों में सत्र आहूत होने के बाद जब बैठकें प्रारंभ होगी तो लंबी चर्चा और बहस के कारण जीवन को भी खतरा हो सकता है, संक्रमित होने का खतरा बढ़ेगा, क्योंकि संक्रमण लगभग सब जगह है, विधायक साथी भी अनेकों स्थानों से आएंगे और यहाँ से फिर अपने घरों पर जाएंगे, और केवल विधायक साथी नहीं, विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी, पत्रकार मित्र, दर्शक दीर्घा, और इसलिए सर्वसम्मति से फिर माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ चर्चा में ये फैसला हुआ कि ऐसी परिस्थितियों में सत्र चलाना उपयुक्त नहीं होगा, असामान्य परिस्थितियां हैं और इसलिए असामान्य फैसला किया है, बाकी जो संवैधानिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सर, ये महत्वपूर्ण विधेयक और बजट को लेकर, क्योंकि लोगों का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है, और दूसरी बात यह है कि हम बाकी सबको आग्रह करें कि साथ मत बैठिए, दूरी रखिए, अब यहाँ तो एक सीट पर दो दो बैठते हैं, मास्क लगाइए, मास्क लगा के कितनी देर बोल पाएंगे लोग विधानसभा के अंदर भी, और इसलिए ये ज़रूरी है कि जो कहा जाए वो खुद भी करें, बाकी जो आवश्यकता है उसके लिए हम लोग रास्ता निकालेंगे। तो आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जो ये कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से आज की इस बैठक में फैसला लिया गया है, क्योंकि संक्रमण का खतरा जो है फैल रहा है, इस कारण बैठक में फैसला लिया गया है मानसून सत्र को स्थगित करने का, और प्रस्ताव जो है इसका फिलहाल राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इधर प्रमुख सचिव केपी सिंह का क्या कुछ कहना है इस पर, वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए,
आज सर्वदलीय बैठक रखी गई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ सदस्यगण थे जी। तो सबने यही चर्चा की, पहले उन्होंने सारा कोरोना की स्थिति का आकलन किया जी। तो ये पाया कि हमें एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए जी, जिसके परिप्रेक्ष्य में ये तय हुआ कि अगर ऐसे में हम सत्र आयोजित करते हैं जी, सुरक्षा का हमला आएगा, पत्रकारगण आएंगे और सदस्यगण आएंगे, और कई सदस्य भी इसमें पॉजिटिव हो चुके हैं, इसलिए सब सम्मति से यह तय किया गया कि अब गवर्नर से ये अनुरोध किया जाए कि इस सत्र को स्थगित कर दिया जाए जी। तो ये निर्णय आज सब सम्मति से लिया गया है, अब आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो सतर्कता की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो है वर्तमान कोरोना का जैसे प्रकोप बढ़ रहा है जी, उसको मद्देनजर रखते हुए और जनता को एक मैसेज देने के लिए कि सभी चूंकि धार्मिक आयोजन और दूसरे आयोजनों में प्रतिबंध लगा हुआ है जी जी, तो सब सम्मति से ये तय किया गया कि फिलहाल इस सत्र को स्थगित करने के लिए जी महामहिम राज्यपाल से अनुरोध किया जाए जी, वो कार्रवाई